जज साहब, मेरी मुवक्किला साक्षी दीक्षित मिस्टर आतिश माथुर की हवस का शिकार बन गई। लिहाजा मैं अदालत के सामने यह दरख्वास्त करता हूं कि मिस्टर आतिश माथुर को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मिलॉर्ड, दैट्स ऑल मिलॉर्ड। क्या नाम है धनंजय चटर्जी का? क्यों हुआ सबूतों के बिना पर, साथ ही साथ मौका वारदात पर मौजूद चश्मदीद गवाह नंदन दुबे की गवाही, साक्षी दीक्षित के खुद के बयानों और डॉक्टर की रिपोर्ट को अपनी जजमेंट का आधार बनाते हुए ये अदालत आतिश माथुर को अपनी प्रेमिका साक्षी दीक्षित के बलात्कार का मुजरिम ठहराते हुए 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। बाबूजी, 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 क्या हो गया? चलो भैया, बाबूजी, भैया, 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 बाबूजी। अरे रे रे, जरा सांस तो ले।
ले लो और तुम तो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो जैसे कि सामने तुम्हारा प्रैक्टिस बैट नहीं कोई कॉम्पिटिटर है जिसे हरा कर तुम चैंपियन बनना चाहते हो। साक्षी आज ये बॉक्सिंग बैग है, कल इसकी जगह पर कोई और होगा जिसे हरा कर मैं चैंपियन बनूंगा। वाओ गुड स्पिरिट, थैंक यू, कीप इट अप। अच्छा ये लो मैं तुम्हारे लिए बादाम दूध लाई हूँ, इसे पी लो, शक्ति बढ़ा लो और फिर से लग जाओ इस लटकते कंप्यूटर की धुनाई पर। ओके हाय चैंप। हाय साक्षी, व्हाट अ सरप्राइज यार। सरप्राइज की क्या बात है, अगर साक्षी आपके लिए इतना कुछ कर सकती है तो क्या मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। हमेशा की तरह मैं ये ले आया। क्या लाए हैं आप, क्या है ये? ये एप्पल 60 रुपए किलो और ये केले 10 रुपए दर्जन और ये अंगूर 30 रुपए किलो। करेक्ट, मुझे तो लगा था कि हनुमान जी की तरह कहीं से कोई संजीवनी बूटी उठा लाए हो जिसे खिलाकर तुम अपने दोस्त को नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का चैंपियन बना दोगे। अरे मेरे बस में होता संजीवनी बूटी ले आता, लेकिन डोंट वरी साक्षी, मैं अपने दोस्त को छोटा मोटा चैंपियन नहीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन का हीरो बनाऊंगा। और ये मेरा वादा तुमसे ही नहीं आदेश, तुमसे भी है साक्षी। भूपेंद्र साहब तुम भी यही और मैं भी यही, देखते हैं कौन किसको हीरो या जीरो बनाता है। जीरो नहीं हीरो, हीरो नहीं जीरो, हीरो जीरो यार, हीरो साक्षी जीरो। तुम दोनों तो आपस में लड़ने लगे, अगर मुझे हीरो बनाना है तो मुझे तुम्हारा प्यार और तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। तो ठीक है ले लो, जितना प्यार लेना है इनका ले लो, मैं चली। ए साक्षी पागल हो गई हो क्या, रुको यहाँ। साक्षी जी आप यही रुकिए, मैं जाता हूँ। क्यों, आपको प्यार नहीं बांटना है क्या? साक्षी सुनो ना साक्षी, यार सॉरी यार, तुझे तो पता है वो जरा सी। कोई बात नहीं यार, वो तो अपनी है। तू कहाँ खो गया यार? तुम दोनों के हौसले को देख मुझे अपने आप से डर लगने लग गया, अगर मैं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हार गया तो तुम दोनों के हौसले का क्या होगा? कैसी बातें कर रहा है यार, ऐसा मत बोल, तू जीतेगा और तुझे जीतना है। Cheer up. That's like a good champ. क्या हाल है भाई लोग, क्या हो रहा है अपने टाइम पास टोली का? भाई बेकारी में लोगों का टाइम वाइम पास नहीं हो पा रहा है, अरे कहीं लोगों को फिटबिट करवाओ ना। डोंट वरी, अब तुम लोग बेकाम के बेकार नहीं कहलाओगे, मैं अपने बड़े भाई से तुम लोगों को मिलवाऊंगा। परसों मुन्ना परसों तुम इन सबको लेकर मेरे घर पर आ जाना। ठीक है भाई, काम हो जाएगा। अजी खाना लगा दूं क्या? हाँ हाँ अब खाना लगा ही दो, हमारे साहबजादे के आने का कोई टाइम तो होता नहीं है जो उनका इंतजार करें। वाह बाप वाह वाह बेटा, और भारी उनकी बॉक्सिंग, पिछले 6 महीनों से एक साथ टेबल पर बैठकर इकट्ठे खाना नहीं खा सके हम लोग, साहबजादे बॉक्सर बनेंगे। क्यों इतना गुस्सा करते रहते हो, चुपचाप से बैठो शांति से खाना खा लो, मैं खाना लगा देती हूँ। बेटा जवान हो चुका है, वो आएगा तो खाना खा लेगा, बेवजह अपना खून जलाते रहते हो। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारी इसी स्पोर्ट की वजह से, इसी लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ता जा रहा है वो, चैंपियन बनने के नाम पर दिन रात हमारा गति करता फिरता है। पूजा एक ग्लास पानी ला। जी भैया। हाँ हाँ साहब के लिए ठंडा पानी लेकर आइए, बहुत थके हुए हैं, जाइए। क्या हुआ आपके चैंपियन बनने के खाक का? वो तो बनना ही है, खाक बनना तुम्हें। पिछले 3 सालों में ये बॉक्सिंग चैंपियन बनने के लिए तू जितना पैसा मेरा खर्च कर चुका है उतने में मैं नया स्कूटर ले लेता। शर्माती है मुझे इस खटारे पर ऑफिस आते जाते। बाबूजी कुछ दिन आप उस पे और निकाल लो, मैं आपके लिए नया स्कूटर ले आऊंगा। अच्छा सुना, ये नया स्कूटर ला कर देगा मुझे? अरे तू चैंपियन बन मेरी बला से, ना बन तो भी मेरी बला से, लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, मुझे अपनी बेटी की डोली विदा करनी है, अब मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। तो ठीक है बाबूजी, आज मैं इसी पल से कभी आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन मैं चैंपियन बनना चाहता हूँ हर हाल में किसी भी कीमत पर।
ना भैया? आजा आजा छोटे, ऊपर आजा। और ये चौकड़ी कहाँ से आई तेरे साथ? भैया ये सब मेरे यार हैं, मगर बेकार है भैया, इन सब की कुछ हेल्प हो सके इसीलिए आपके पास लाया हूँ। बहुत अच्छा किया भूपेंद्र मुन्ना, बहुत अच्छा किया। सिकंदर जाट के दरबार में जो भी आता है खाली आता ही जाता। क्या काम कर सकते हो तुम? भाई आपकी जो मर्जी हो वो काम दे दीजिए प्लीज, आपकी मेहरबानी है। हाँ भैया, हम पैसा कमाने के लिए जिसका जो चाहे कर सकते हैं। बस एक बार सिकंदर भाई, हमें मौका चाहिए बस। बुक्की बनोगे, सट्टा बाजार चलाओगे? हाँ भाई हाँ, हमारी तो लाइफ बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो फिर ठीक है, हुक्म करूँ तो आ जाना। अच्छा भाई हम चलते हैं। नमस्ते। खुश रहो, आबाद रहो। अच्छा भाई, हतेश। नमस्ते भैया। भैया मैंने आपसे जिक्र किया था, मेरे जिगरी दोस्त का आतिश, यही है। बोलना भैया, मैं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उतरना चाहता हूँ, लेकिन 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 क्या? किसी को रिश्वत खिलानी है, किसी को उड़ाना है? नहीं 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 भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। भैया आपकी काफी ऊंची पहुंच है, मैं आपके घर पे आया इसलिए ताकि आप मेरी मदद कर सके। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर तू जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है वहाँ पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। कुर्बानी? आसान सा रास्ता है, आजकल खेलों में सट्टे की परंपरा तो चल ही पड़ी है, बाकी भूपेंद्र समझा देगा, क्यों छोटे? ठीक है भैया चल। अच्छा भैया ठीक है चल मेरे चैंपियन। अरे यार अपने भूपेंद्र भाई भी बस। पता नहीं यार अब और कितनी देर यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। अबे क्यों बे, अब तुझे यहाँ खड़े रहने में क्या प्रॉब्लम है? अबे खड़ाई तो है। हाँ अबे हाँ खड़ाई तो है। अरे तुझे क्या हुआ? अबे उधर देखो, अपने मोहल्ले की चमक चलो लहराती हुई आ रही है। आपके ये तबले और आपके ये फव्वारे। क्यों बे, तुम्हें मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? मेरे अलावा दूसरी लड़कियाँ भी तो है इस मोहल्ले में, उन्हें क्यों नहीं छेड़ते? सीधी शादी को ही छेड़ते रहते हो। अरे अब उन्हें छेड़ने में वो मजा कहाँ जो तुम्हें? सचमुच मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मुझे छेड़ने में मजा आता है। मजा ही नहीं आता, तुम्हें छेड़कर तो मन में गुदगुदी भी होने लगी है। और फिर यही गुदगुदी फुदफुदी में बदल जाती है। मगर ये तो बताओ सलोनी कि तुम किस चीज जिलाती पकाती धूप में अपने ये संगमरमर जैसे जिस्म को जलाती हुई कहाँ जा रही हो? क्या करूँ मेरे दीवानों, इसमें होल हो गया है। होल कहाँ? देख हुआ कैसे? कल रात इतनी तेज हवा चली कि सीधी घुस गई किल्ली तोड़ के, और बस जब तक टांका लगवाऊ ना सिलवाऊ ना मेरी तो बेकार हो गई। अरे काहे को परेशान होती हो, हम तुम्हारा टांका लगवा भी देंगे और इसे सिलवा भी देंगे। अरे जाओ नु, छाते वाले को लेकर आ। अभी आया। अरे आ भी जाओ, यहाँ बैठो ना, हम तुम्हारा टाका भी लगा देंगे और इसे सिलवा भी देंगे। अब तो खुश हो ना? हाय कितने अच्छे हो तुम लोग, काश मोहल्ले की दूसरी लड़कियों की किस्मत भी मुझ जैसी होती। नहीं है ना मुझ जैसी? वो क्या है ना मैडम, वो चाटे वाला लंच में गया है, उसका सामान वही है। वैसे यू डोंट वरी, मैं टाका लगाने का स्पेशलिस्ट हूँ। काय होल मैं लगा देता हूँ। दिखाया था देखा नहीं था क्या? अरे जरा प्यार से दिखाओ कि दोनों भी। ओह ये होल, ऐसे ऐसे होल का तो मैं एक्सपर्ट हूँ, यूं लगा दूंगा। मगर यहाँ नहीं, दुकान पे चलो ना, वहीं लगा दूंगा ना। चलती हूँ, मगर ध्यान से लगाना कि सूरज की रोशनी जाए ना और बरसात का पानी चपके ना। समझ गए ना? समझ गया, सूरज की रोशनी का तो गारंटी देता हूँ, मगर पानी का नहीं। कमबख्त पानी है ना, वो कहीं से भी घुस जाता है। चलो देखती हूँ कैसे लगाती हो तुम चाका। अबे क्या लगाने की बात कर रहे हो? वाह बॉक्सी भाई वाह, क्या एंट्री मारी है, क्या बॉडी शॉडी टोले,
तुमने तो सलमान को भी मात दे दी। अरे सलमान बेचारे को क्या मात देनी यार, वो तो कभी हिरन से मात खा जाता है तो कभी पटरी पे सोने वाले फुटपाती से। अपना तो एक ही मकसद है और वो है आतिश को मात देना। अरे चिंता मत कर बॉक्सी यार, आतिश और भूपेंद्र की दोस्ती के बीच में जिस दिन दरार आई ना, समझ ले तेरा मामला फिट। अब देखना ये है कि इन दोनों के दोस्ती के बीच में दरार कब और कैसे आती है। मुन्ना चल निकल। हाय साक्षी। आंखें है या बटन, अंधे तो नहीं हो ना? साक्षी अगर अंधा होता तो आपका नजारा कैसे होता? आप आंखों में कैसे बसती? ना 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 ना, मुझे अपनी आंखों में बसाने की गलती मत करना, क्योंकि फिर तुम कहीं और बसने लायक नहीं रहोगे। स्टूपिड फूल। ये फूल तुम करते रहो सितम पे सितम, तुम्हें चाहते रहेंगे हम, तुम्हें पाना है मकसद हमारा, हमें तुम्हारी कसम। आतिश, यूं ही मुंह फुलाकर बैठी रहोगी या कुछ कहोगी भी? साक्षी तुम मुझे इस लवर्स वाटरफॉल के पास बुला, हमेशा लड़ने झगड़ने के मूड में क्यों रहती हो यार? लड़ू ना तो और क्या करूं आतिश, तुमने अपने चारों तरफ दोस्त ही ऐसे पाल रखे हैं। तुम किस किस्म के दोस्तों की बात कर रही हो? तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ? किसकी? वही तुम्हारे सिकंदर का छोटा भाई, वो भूपेंद्र। हाँ भूपेंद्र, ही इज टू मच। यार एक बात बताओ, आजकल तुम मुझसे ज्यादा भूपेंद्र का नाम लेती, ये सब क्या चक्कर है? चक्कर मेरा नहीं, चक्कर तुम्हारा है। तुम नहीं जानते आतिश, वो तुम्हारे बॉक्सिंग करियर में सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। अच्छा बाबा, गलती हो गई, अब तो मुस्कुरा दो। फूल तो उसने भंवरे को बहकाया।
कुछ भुला दे, दूरियां मिटा दे, सब कुछ भुला दे। ठंडी हवा भी गर्म लगे, ये कैसा मौसम भुला दे, दूरियां मिटा दे, सब कुछ भुला दे। प्रेम नहीं मेरा, हम दोनों प्रेम महल बना, हम दोनों ही बस हो जिसमें ना कोई आए जाए। प्रेम गली मेरा, हम दोनों प्रेम महल बना, हम दोनों ही बस हो जिसमें ना कोई आए जाए। सब तक दोनों तड़पेंगे हम, सब तक दोनों तड़पेंगे, सारी हदें गिरा दे। ओ दूरियां मिटा दे, सब कुछ भुला दे, दूरियां मिटा दे, सब कुछ भुला दे। तुमसे हजार बार कहा कि तुम मेरी चीजों को हाथ ना लगाया करो। आप भी क्या बात करते हो भैया, माँ हाथ नहीं लगाएगी तो सफाई कैसे होगी? हाँ क्या मतलब है तेरा? हाँ। कि सफाई करते करते मेरी सारी चीजें ही साफ हो जाएं? कोई चीज साफ नहीं हुई है, बल्कि साफ करके माँ ने सलीके से जा रखनी चाहिए, वहाँ रख दी होगी। अरे बाबा तुम लोग फिर लड़ने लगे। लो यही इसी टेबल पर रखे थे करेक्शन के लिए, अब न जाने कहाँ चले गए। ऑफिस के जरूरी पेपर थे, अब ऑफिस वालों को क्या जवाब दूंगा मैं? बड़े आए तुम्हारे ऑफिस वाले, क्या ऑफिस और क्या लोग। सिकंदर जाट के ऑफिस में क्या क्या होता है और क्या क्या काम तुम करते हो मुझे सब पता है। आप बता मुझे, किन लोगों के बल पर ये बात कर रहा है तू? उसी सिकंदर जाट की जिसके सारे के सारे दो नंबर के धंधे हैं, उसी के बल बूते पर उछल रहा है ना तू? अरे वो तुझे चैंपियन नहीं बनाएगा, जेल भिजवा देगा जेल। बाबूजी प्लीज। भैया पानी। हर एक इंसान जो मेरी मदद करता है आपको लगता है वो दो नंबर का है। सिकंदर भाई मेरी मदद करते हैं इसलिए क्योंकि उनका छोटा भाई भूपेंद्र मेरा दोस्त है। चुप कर, बकवास कर रहा है। ये तेरे दोस्त और दोस्ती, अब सुन ले इस बाप का भी तजुर्बा, यही दोस्ती तुझे एक दिन ले डूबेगी। बाबूजी आप बस भी कीजिए। क्या आप भी बेटे के आते ही बरस पड़ते हो? खाना खाने के बाद आराम से नहीं बोल सकते थे? तो ले जाओ अपने लाडले को, बिठाओ गोद में, खिलाओ खाना, बनाओ इसको चैंपियन। लाख कोशिश कर लो ये चैंपियन वैंपियन नहीं बनेगा। बनूंगा। नहीं बनेगा। बनूंगा। नहीं बनेगा। बनूंगा। मैंने कहा ना नहीं बनेगा। आखिर क्यों ये हो रहा है मेरे साथ? क्यों आ रही है रुकावट, ये मुश्किल? कैसा है ये संघर्ष? मैं एक बॉक्सर हूँ और बॉक्सिंग चैंपियन बनना मेरी जिंदगी का आखिरी मकसद है। और तुम बनोगे, जरूर बनोगे। कोई भी तुम्हारे इस मकसद में रुकावट नहीं बन सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि मैं और मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। After all, you are my champ. No, साक्षी, I am your champ. तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर सिर्फ मेरा हक है, और इस होने वाले चैंपियन की जिंदगी को तो मैं कारावास में बदल कर। इसके लिए मुझे कुछ भी,
कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो फिर इंतजार किस बात का है? शायद सही वक्त का। कहीं ऐसा ना हो वक्त का इंतजार करते करते वक्त ही हाथ से निकल जाए। मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम मेरी चाहत का इस्तेमाल उस साक्षी को पाने के लिए करना चाहते हो। But I don't mind. Bhupen, everything is possible in love and war. जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, सच। मगर जानवी मैं बहुत बेसब्रा हो रहा हूँ। दोस्त, सब्र में ही बेसब्री का मजा है। तारा को मजाक सूझ रही है, यहाँ फटी पड़ी है, मेरा दिमाग घूम रहा है। कुछ तो बता, डर नहीं मूलचंद, डर नहीं। सिकंदर जाट है ना तेरे साथ, तू काम बता, बाकी मैं देख लूंगा। वो करोल बाग वाली दुकान मारी खाली करवा दो भाया, मन्ने मारी दुकान दिलवा दो। तसल्ली रख मूलचंद, तू तो जानता है मैं कौन हूँ। सिकंदर जाट है मेरा नाम, ये तो छोटा सा काम है, मैं भूपिंदर से कह के करवा दूंगा। अब तो ठीक है ना मूलचंद? इसी बात पे तो मूलचंद तुम्हारा गुलाम है। दोस्तों, मैच शुरू होने में बस चंद मिनट ही बाकी हैं। इस मैच की बुकिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि हमारे सिकंदर जाट साहब माला माल हो जाएं। खेलना, खूब खेलना और जम कर खेलना। कानून और कानून के रखवाले दोनों ही सिकंदर जाट की जेब में हैं। सिकंदर भाई, सिकंदर भाई, सिकंदर भाई, सिकंदर भाई। अरे सिंह से आगे हाँ नील बोल, कितना बिड़ू, क्या बात है, दो पेटी, ये ले दो पेटी। हाँ हरीश भाई, भाव 40-65। हाँ ले, कितना? 40-65। एक पेटी, एक पेटी। हाँ लिख दे भाई, हरीश भाई के नाम पे एक पेटी। टीम ए 65 और टीम बी 40। अबे साला मोहन तो इधर बैठा है। नहीं नहीं नहीं, उसका नहीं लिया साला फांदेबाज है, पिछली बार का पैसा नहीं दिया। नहीं ऐसा मत करो, मैं पैसा दूंगा दूंगा, प्लीज। ये वो देख उसकी फट गई, साला बोलता है देगा। ए बीके, इस नौटंकी बाज का पैसा बिल्कुल मत लगा, नहीं तो साला फिर गच्छा दे जाएगा। अबे तो क्या हुआ, काले का माल लगाओ, पैसा सिकंदर भाई खुद वसूल कर लेंगे। सब कुछ उल्टा हो रहा है, सारा पैसा ए टीम पर लग रहा है। क्या, हम तो सब मर गए। किसी को सिकंदर भाई के पास भेजो, वो सुलेमान को फोन करें। चलो विवेक, तू फटाफट जा और सिकंदर भाई को सारी कंडीशन बता के आ। अबे सरजी, मैं, अबे हरामखोर, छिपकली की तरह कैसे घुसा है तू? सरजी, सारी की सारी गंगा उल्टी बह पड़ी है, सारा का सारा पैसा अपोजिट टीम पर लग रहा है। क्या बकवास कर रहा है तू? सच कह रहा हूँ सर जी, रावण की कसम। इधर आ, इधर आ, आ इंदो, आने से पहले नौकर करके आना, चल भाग। हाँ भैया, 5 ओवर्स रहने के बाद दूसरी टीम पर 5 करोड़ का सट्टा खेल दो। जी भैया। और वो बुकी क्या नाम है उसका, उसे फोन कर दो। सुलेमान को फोन कर देता हूँ। हाँ सुलेमान भाई। हाँ मुन्ना, हमने सब फिक्स कर दिया है, तुम चिंता मत करना। अगर सब कुछ फिक्स हो चुका है तो फिर तो सिकंदर भाई की जय जयकार हो जाएगी, समझो। सिकंदर भाई, सिकंदर भाई, सिकंदर भाई, सिकंदर भाई, सिकंदर भाई। ओके ओके, बुक की कलेक्शन बताइए। बोलो, 1 by 1 बोलो। 11, 9, 7, 10, 8। ओके ओके ओके, मुझे कल तक सबकी कलेक्शन चाहिए, चाहे वो मोहनी क्यों ना हो। हो जाएगी भाई जी, हो जाएगी, शाम तक सबकी कलेक्शन हो जाएगी। भाई वो मोहन अभी भी पैसे देने में आना कानी कर रहा है, उसका क्या करना है? मुझे कल शाम तक पैसा चाहिए, मोहन हो या सोहन, पैसा चाहिए। ओके ठीक है भाई, हो जाएगा। मुझे मत मारो,
मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दो प्लीज प्लीज। मैं एक एक पैसा चुकता कर दूंगा मेरे भाई, मैं एक एक पैसा चुकता कर दूंगा, मुझे मत मारो। अट मुझे एक दिन की मोहलत दे दो, एक दिन की। क्या एक दिन? शाम तक सिकंदर भाई के पास खुद पैसे पहुंचा देना, समझे? भैया भैया क्या हुआ? मोहन को कुछ गुंडे मिलकर पीट रहे हैं। घबराओ मत, तुम घर जाओ। पहुंच गए। वाह माथुर साहब, स्कूटर बदल ही डाली है अब। लीजिए दास बाबू, लगता है अपने यहीं का बंदा दारू पीकर लुढ़का हुआ है। माथुर साहब, इस दारू ने तो अपनी सोसाइटी के लोगों का बेड़ा गर्क करके रखा है, क्या होगा इन नौजवानों का? आइए देखते हैं कौन शराब पीकर लुढ़का हुआ है। बेड़ा गर्क कर दिया शराब ने इन नौजवानों का, लगे रहते हैं शराब में। माथुर साहब, ये तो कोई जाना पहचाना सा लग रहा है। दास बाबू, ये कहीं आपका मोहन? ये तो मोहन 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 मोहन, मोहन। मोहन। दास बाबू, इसकी तो नब्ज नहीं चल रही है। जल्दी उठाइए इसे, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। जल्दी उठाइए बाबू, जल्दी जल्दी, इसकी हालत बहुत खराब है, इसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। चलिए चलिए बाबू, तो क्या हुआ मोहन को? पता नहीं पता नहीं, हटो हटो। चलिए चलिए दास बाबू। अजी अब टहलना बंद भी करो, रोज सुबह जाते हो ना टहलने के लिए। आ गए सपूत, देख ली तुमने अपनी उस सिकंदर भाई की करतूत। उसी के लौंडे लफाड़े आए थे सट्टे की वसूली के लिए, अब पैसे तो वसूल कर ना सके, जान वसूल करके भाग गए। सिकंदर भाई। अरे आतिश आओ आओ। भाई मुझे पता चला है कि मोहन को आपने। मोहन? वो तेरी सोसाइटी में रहने वाला छोरा है। और मुझे लगता है ये बिल्कुल सच है। पहली बात तो ये आतिश कि मैं किसी को मारना चाहूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, और दूसरी उन लड़कों का आपस में कोई झगड़ा था जिसमें वो चल बसा। शायद आप ठीक है, गरीब की जान बेकार की, अरे उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। सिकंदर भाई आप ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। आओ ना यार, मेरा टेंशन तो दूर करो। डोंट वरी जानवी भाई। हे चैंप। हाय। क्या बात? कुछ नहीं यार। तो फिर तू इतना डिस्टर्ब क्यों है? समझा, तू अब तक उस मोहन को लेकर परेशान है। आतिश तो जानता है यार, वो बॉक्सी वगैरह और उसके लड़कों ने कुछ पंगा कर दिया था। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे बड़े भैया हैं ना, खून खराबे से काफी दूर रहते हैं। मगर आतिश, कहां तू अपनी सोचन फिजूल के झगड़ों में खपाता रहता है। तेरी सोच, तेरा लक्ष्य सिर्फ बॉक्सिंग चैंपियन बनना है, और तुझे बॉक्सिंग चैंपियन बनाने के लिए मेरे बड़े भैया पानी की तरह पैसा बहाएंगे। डोंट वरी, चेयर अप, कल डांसिंग क्लब में मिलते हैं। ओके। व्हाट इज लव? हेलो। हाय। नाच अच्छा लेती हो। थैंक्स। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो। हमारी तो बात ही कुछ और है। हाँ है तो कुछ और ही। समझदार हो, फिर क्यों खेल रही हो? कहीं ऐसा ना हो कि आतिश की आतिशबाजी में जलकर फूक न जाओ। जलना मेरा काम नहीं, तुम्हारा काम। राइट, एब्सोल्युटली राइट। लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं माचिस की वो तीली हूँ जो मसाले पर घिसती है, रगड़ खाती है और खुद आतिश बन जाती है।
मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। किसको? मेरे आतिश को, वरना जलने से पहले ही बुझा दी जाओगी। बाय। प्यार पूछने का नहीं, पा लेने का नाम है। भाई, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच की सट्टेबाजी में अपनी रकम शहर के दूसरे सट्टेबाजों से बहुत ज्यादा है। गुड गुड। अरे सुशील, एमपी के इलेक्शन आ रहे हैं, प्यारेलाल का क्या भाव खुला है? भाई 30 पैसे। 30 पैसे? हाँ। यानी कि खुद की जीत को पक्की मान रहा है भाई? 5 करोड़ लगाओ उसकी हार पर और हरा उसे। हो जाएगा भाई। भाई एक गर्मा गर्म खबर और भी है। ऑल इंडिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फाइनल मैच बॉक्सिंग डे के दिन ही होना फिक्स हुआ है। फिक्स हुआ है तो फिक्स भी हो जाएगा। और अब तो इस खेल में और भी मजा आएगा, क्योंकि आतिश जैसा जांबाज हमारे इन हाथों की कठपुतली बनकर आने वाले इलेक्शन को संभालेगा। जी भाई। जा रहे हो हमें साथ ले लो, जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले, जहाँ जा रही हूँ तुम्हें साथ ले नहीं सकती, वहाँ जा रही हूँ। अब आप जन्नत में जाएंगे जानो, हम आपके साथ जाने को तैयार हैं। देखो भूपेंद्र, तुम्हारे मुंह से इस तरह की रोमांटिक बातें ठीक उसी तरह लग रही हैं जैसे कि कोई गधा ढेचू ढेचू कर रहा हो। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कम से कम गधी तो नहीं हूँ। नहीं तो ना से। ये क्या बदतमीजी है? क्या चैंप मेरे भाई, अब तो क्या अपने दोस्त पर हाथ उठाकर चैंपियन बनेगा? हा? लेकिन तू आया सही मौके पर, तू डिसाइड कर, पहले तू या मैं। दोस्त साक्षी ऐसी वैसी लड़की नहीं जैसा तू सोचता है। यार आतिश, यार बचपन से हम लोगों ने चीजें साथ में शेयर की हैं, हाँ? तो अब जो हम करेंगे वो साथ में करेंगे, राइट? चाहे वो प्यार हो या प्यार। यार मजाक बहुत हो गया। अब अगर ये मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। होश में रह, सुन मेरी बात। अरे 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 छोड़ो यार, ये क्या बचपना है हा? आखिरकार तुम दोनों की दोस्ती में दरार पड़ी गई है। साक्षी जी, कम से कम आपको तो समझाना चाहिए था इन दोनों को। ए, अब ना कुछ समझना है और ना कुछ समझाना। आतिश, कम से कम तुझे तो समझना चाहिए, क्योंकि तू भी तो साक्षी से प्यार करता है ना। आतिश, तू साक्षी से? Oh my God, ये मैं क्या करने जा रहा था? I'm sorry, आतिश, मुझे माफ कर दो साक्षी। मैं नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरी होने वाली भाभी इस नादान देवर की हरकतों को एक शरारत समझकर भूल जाएगी। मैं अपने आप को तब तक माफ नहीं कर पाऊंगा जब तक आप दोनों मिलकर मुझे गले नहीं लगा लेते। भूपेंद्र, I'm sorry, आतिश, I'm sorry, साक्षी। चलो साक्षी। Sorry, so। चल छोड़ ना उस्ताद, ऐसी तो कितनी आई कितनी गई। चल ले चलता हूँ तेरे को मूड के पास, मूड बनाने के लिए मूड के साथ। हाँ चला जा। हाय आतिश, हाउ आर यू?
I'm fine. How are you doing? Very nervous. तुम्हारा इंतजार कर रही थी. Nervous? Nervous क्यों? बस यही सोच रही थी कि तुम मुझे अपने नोट्स देना पसंद करोगे या नहीं. Oh come on यार, नोट्स मांग रही हो, कोई दिल नहीं. कि उसके लिए घबराना पड़े कि नोट्स मिलेंगे या नहीं. Thanks आतिश. काश कि मैं नोट्स की जगह तुम्हारा दिल भी मांग लेती. एक ही तो बात है, दिल से ही तो नोट्स दे रहा हूँ. अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ. ओके जानवी. पीते पीते थोड़ा समझा भी देना. आतिश. या. क्या तुम जानवी की जगह जानू नहीं बुला सकते? Sure, यार. It's short and sweet. और मैं तुम्हें अति. हाँ यार, अति बुलाओ या पति बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, सब चलता है. भोली है और थोड़ी एड़ी भी. चाय. थैंक यू. Very tasty. बताओ कौन से टॉपिक में. फ्रिज कहाँ पर है? फ्रिज कहाँ पर है? मैं आइस लेके आता हूँ. जल्दी. या कमिंग कमिंग. आतिश जल्दी. या कमिंग. आतिश. या कम ऑन. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. टेक इट इजी यार, टेक इट इजी, इट विल कूल डाउन. Relax, Johnny. Relax. Relax, Johnny. Relax. Relax, Johnny. Relax. Johnny? Hello. Hi, Atish. Johnny. हाँ बोल ना. वो एक्चुअली तुमसे एक हेल्प लेनी थी. किस किस्म की? मुझे साइकोलॉजी के नोट्स कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं. अगर तुम मुझे समझा देते तो. अरे इसमें इतना नर्वस होने की क्या बात है, समझा दूंगा और नोट्स भी दे दूंगा, क्या प्रॉब्लम है? तो हम स्विमिंग पूल के बाहर मिले, मिलोगे ना? हाँ हाँ मिलूंगा. थैंक्स. ओके बाय. हे जानवी. हाय. हाय. बताओ तुम्हारे प्रॉब्लम का टॉपिक क्या है? पहले बैठ तो ले, फिर बताती हूँ. ठीक है बैठ लेते हैं, पर मुझे तुम्हारा प्रॉब्लम पता है. सच आतिश? पता है? यस, मुझे तुम्हारे प्रॉब्लम का टॉपिक पता है. साइकोलॉजी ऑफ टीनेज बिहेवियर एंड इट्स कॉम्प्लेक्सेस. हाँ हाँ वही. देखो 16 से 19 साल के हर एक इंसान में एक अजीब सी इनसिक्योर फीलिंग पैदा होती है, जैसे बॉक्सिंग को लेकर मेरे अंदर है. और दूसरा कारण है विद्रोही भावनाओं का फूट पड़ना एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. जानवी. गॉड. जानवी देखने दो क्या हुआ, एक मिनट देखने दो. देखने दो मुझे कहाँ लगी. एक मिनट जानवी, एक मिनट. कम ऑन जानवी, गेट अप. कम ऑन ट्राई टू गेट अप. ओके ओके जानवी, ये चोट नहीं है, मेरे ख्याल से मसल पुल है. लेट मी रब इट, लेट मी रब इट. रिलैक्स. ओह माय गॉड. रिलैक्स जानवी, टेक इट इजी यार. आतिश रिलैक्स. ओके आतिश, I love you a lot. तो ये सब नाटक है? नहीं आतिश, नाटक नहीं, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करती हूँ. लेकिन लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं करता. ऐसा मत कहो आतिश, मत कहो ऐसा. आखिर साक्षी तुम्हें क्या दे सकती जो मैं नहीं दे सकती? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारे बिना मैं अपने बारे में सोच ही नहीं सकती. जानवी मैं तुम्हें प्यार चाहकर भी नहीं कर सकता. आतिश मैं साक्षी से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करूंगी, तुम पर मर मिटूंगी. इसका मतलब तुम प्यार खरीदना चाहती हो? अच्छा मैं चलता हूँ.
तुमने मेरे प्यार को धुतकारा है, ठोकर मारी है। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं हो सकते। बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जाओ। भाई भाई छोटे साहब ने भी शायद आज कुछ चढ़ा लिए। पैरी पे ना भैया, तूने शराब पी है? पीनी पड़ी भैया। किसने पिलाई तुझे? मोहब्बत, इश्क, मेरे प्यार, मेरी चाहत। अपने भाई से ज्यादा तुझे किससे इतनी मोहब्बत हो गई है जिसने तुझे शराब पीने पर मजबूर कर दिया? साक्षी भैया। साक्षी? अपने पिए बाबू हैं, उन्हीं की बहन है। हाँ भैया। भूपिंदर, उसमें ऐसी क्या खासियत है जो तुझे उससे मोहब्बत हो गई? खासियत है भैया, उसे पा लेने की जिद। लेकिन भैया, मैं जितना ही उसके करीब जाता हूँ वो उतना ही मेरे उस दोस्त आतिश के करीब जाती है। वो मेरे और आतिश के बीच आ गई है भैया। उसे ना पाने में मेरी हार है और इस हार को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो तेरी अनारकली बन ही चुकी है तो मैं अकबर बनकर तुझे उससे अलग नहीं करूंगा। वो तेरे आगोश में होगी ताकि तेरे जिस्म के भीतर बहते खून में फैले मोहब्बत के कीड़े शांत हो जाएं। भैया नहीं, भैया मुझे वो जबरदस्ती नहीं चाहिए। भैया मैं चाहता हूँ कि वो खुद ब खुद मेरे पास चलकर मेरे आगोश में आए, तभी इस कलेजे को ठंडक पहुंचे। ऐसा ही होगा भूपिंदर, मगर तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। तू आज के बाद दारू की एक भी बूंद अपने गले के नीचे नहीं उतारेगा। आपकी सौगंध भैया, अगर ऐसा होता है तब जैसा चाहोगे मैं वैसा करूंगा। इसे इसके बंगले तक हिफाजत से पहुंचाओ। कुछ हुआ इसे तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। डोंट वरी भैया। आइए भाई। बाय भैया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भैया। एंड आई लव साक्षी। उफ, ये मोहब्बत। वक्त गुजरता गया, तारीखें बदलती गई और आतिश की रिहाई भी नजदीक आ गई। तेरी अपनी ही मर्जी।
माथुर फैमिली। माथुर फैमिली? वो तो कब के यहाँ से चले गए? क्या कहाँ गए? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अब यहाँ रहता हूँ और मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे ससुराल जाना है, फैमिली वहीं रहती है। सॉरी। घर मेरा जला, लोग हंसने लगे। घर मेरा जला, लोग हंसने लगे। इससे बता तुझे क्या मिला, इससे बता तुझे क्या मिला। मैं तमाशा बना इस जग के लिए, मैं तमाशा बना इस जग के लिए। इससे बिना तेरा दिल हिला ना, दिल हिला ना, दिल हिला। जिसने मुझे बर्बाद किया, जिसने मुझे बर्बाद किया, वो तेरे सिवा दूजा न था, दूजा न था। कैसी बना दी। अरे देख देख, यही है वो बलात्कार जिसने अपने प्रेमिका का बलात्कार कर डाला था। ये वही है ना जिसके सदमे ने इसके बाप को अमाहिज बना दिया। हाँ हाँ, ये वही है। ना जाने कहाँ दर बदर भटक रहे होंगे इसके बूढ़े माँ बाप। अरे इसकी तो एक बहन भी थी, ठीक क्या है ना, सुना है किसी बियर बार में कूले मटका मटका कर अपने माँ बाप को पाल रही है। अरे ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। ठीक ठीक ठीक, ऐसी औलाद मतलब हुआ है। इतना भी बेरहम न बन, इतना भी बेरहम न बन। मुझे खुशियों के बदले क्यों देता है गम, मुझे खुशियों के बदले क्यों देता है गम। दिल दिल मरूं दे दिए जिंदगी, दिल दिल मरूं दे दिए जिंदगी। कुछ कम जैसे मुझको लूटा तूने खुदा, जैसे मुझको लूटा तूने खुदा। किसी और को भी लूटा था क्या। तेरी कैसी बना दी ओ दुनिया के मालिक जरा नीचे आ, ओ दुनिया के मालिक जरा नीचे आ। तुझको दिखा दूं मैं तेरा जहां, तू कहां सो गया, तुझको क्या हो गया। इंसानियत खो गई है कहां,
मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर इतना जरूर पूछूंगी कि कोर्ट में तुमने अपनी जुबान क्यों नहीं खोली, अपनी सफाई में कुछ कहा क्यों नहीं। मैं जानती हूँ तुम किसी का रेप नहीं कर सकते, फिर ये सब। जब आपने कहा होते, दर्द कैसा, आह कैसी। और अब? अब जिंदगी पे एतबार ना रहा। हेलो, हाँ जोगिंदर, क्या हाल है? अरे हाल चाल छोड़ो, ये बताओ मेरा माल कब मिल रहा है? तू तो घना गरम हो रही है, ये बात है? हाँ सिकंदर चाट, जब किसी का पैसा टाइम पे नहीं मिलेगा तो गर्मी तो आएगी ना। बोलता बहुत है यार, तेरे को पता है कि सिकंदर को ऊंची आवाज पसंद नहीं है। बोल कैसे रहा है तू, पैसे ही तो लेने हैं ना। मैं भूपेंद्र को बोल दूंगा, वो तेरे को पहुंचा देगा, ठीक है ना? ठीक है। ये बात है भाई, बड़े टेंशन में हो। अरे जोगिंदर साला बहुत मुंह फाड़ रहा है। डाल दे साले की तलवार। चल उधर चल के बात करते हैं। आ गया हूं मैं। कोई मेहरबानी नहीं की है? अरे इसकी आवाज तो हम शेरों के जैसी हो गई है। बनते तो बहुत बड़े शेर हो, पर आवाज निकालते हो सियार की। शेर तो हमेशा शेर ही रहता है, ये अलग बात है कि उसे सुनने वाला अगर कोई सियार है तो उस शेर की आवाज भी उसे सियार की जैसी लगती है, समझा? मुझे फालतू बातें सुनने की आदत नहीं है, समझे? मैंने जो पेमेंट दिया वो निकालो, चलती मैंने यहां से। ए, स्टार्ट पेमेंट इसकी। ले। ये क्या? मुझे बेवकूफ समझते हो? ये नकली नोट है। ए? हम तो असली हैं। खत्म कर दो सारे, खत्म कर दो। अपनी तारीफ करना मुझे अच्छा लगता है। भूपेंद्र, आखिर कब तक हम लोग यूं ही मिलते रहेंगे? तुम अपने भाई से कब मिलवा रहे हो? आज ही, और इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ सिर्फ अलबेले लोग आते हैं, चले। Excuse me. No excuse. Excuse me. तुम? हाँ मैं। तुम तो? मेरी रिहाई, रिहाई की तारीख से कुछ दिन पहले ही कर दी गई। मेरी सजा के 365 दिन, यानी के 8760 घंटे, यानी के 525,600 मिनट, यानी के 3,15,36,000 सेकेंड्स, उन सेकेंड्स के हर पल में मैं तुझे याद करता रहा, सिर्फ तुझे। बता अब मैं तुझे क्या सजा दूं? मैं मजबूर थी। मजबूर? मेरा बाप अपाहिज हो गया, ना जाने कहां ददर की ठोकरें खाता होगा सर तुम्हारी वजह से। मैं जलील इंसान, घिनौना कीड़ा और रेपिस बनकर रह गया सर तुम्हारी वजह से। लोग मुझसे नफरत करने के बजाय मुझ पर थूकना पसंद करते हैं, और तुम अपनी बेवफाई, दगाबाजी और फरेब मजबूरी का नाम देती हो। हाँ, देती हूँ, क्योंकि तुम्हारा वो जिगरी दोस्त जिसकी दोस्ती की तुम आहें भरते थे, मुझे तुम्हारे प्यार को तुम्हारे हाथों खो देने की जलन में इतना पागल और सनकी हो गया था कि मैं उसके चक्रव्यूह में फंस कर रह गई। हमारी मनोकामना पूर्ण करना,
साक्षी जी, साक्षी जी आपके भाई की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ मेरे भाई को, बोलिए क्या हुआ? अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो गई, चक्कर खाकर गिर गए, बेहोश हैं। डॉक्टर उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज जल्दी चलिए, सिकंदर भाई के बंगले में आपको तुरंत बुलाया है। हे भगवान, सब कुछ ठीक रखना, चलिए जल्दी चलिए। चलिए प्लीज जल्दी चलिए। प्लीज आप अंदर जाइए, लेफ्ट साइड से मुड़कर लेफ्ट साइड में आपके भाई सुशील का कमरा है, वहां सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। भैया 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 कहाँ हैं आप? भैया 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 ये दरवाजा क्यों बंद है? अब फंसी है बुलबुल, यहां बुलाना तुम्हारे भाई की नहीं मेरी मजबूरी है, और मेरी मजबूरी तुम्हारी मजबूरी बन जाए इसलिए यहां बुलाया है। मतलब तुम मेरे भाई भूपेंद्र की अनारकली बन गई हो, वो तुम में अपनी जवानी की खुशियां तलाशना चाहता है, बेपनाह मोहब्बत करता है तुमसे। लेकिन मैं उससे बेपनाह नफरत करती हूँ। और हम ये चाहते हैं कि आतिश तुमसे इतनी नफरत करे कि नफरत को भी नफरत हो जाए। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, या फिर तुम्हारी अकल कहीं घास चरने गई है। चुपचाप बताओ मेरा भाई कहाँ है। इसका मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा भाई, कर ले उंगली टेढ़ी। लड़की, जो अभी तुझे सुनाया जाएगा उसे सुनकर तेरी अकल के तार तार हो जाएंगे। ये सब नाटक क्या है? नाटक ये है कि अगर तू अपनी माँ और भाई की जान बचाना चाहती है तो तुझे अपने ही बलात्कार के केस में अपने ही आशिक को फंसाना होगा। ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे आशिक ही नहीं रहा तो आशिकी कहे की? और इस तरह मेरे भाई के साथ तुझे मोहब्बत के झूले झूलने होंगे। जानते हो आतिश, एक तरफ तुम थे, तुम्हारा प्यार था, तो दूसरी तरफ जन्म देने वाली वो माँ जिसने अपने दूध से इस शरीर को पाला पोसा बड़ा किया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं तुमसे प्यार कर सकूं। जानते हो आतिश, आज भी मेरी माँ दरिंदों के जंगल में कैद है, क्योंकि भूपेंद्र चाहता है कि मेरी जाग खुद चलकर उसे गले लगाए। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हारी जुबान काट कर रख दूंगा। और अगर सच? मेरा नाम आतिश है, आतिश यानी चिंगारी। चिंगारी जब शोला बन जाती है तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। उन दरिंदों को मैं जलाकर राख कर दूंगा। शाबाश, बड़े अच्छे मौके पर आई है, आजा आजा। वादा ये था कि आतिश को सजा मिल जाने के बाद तुम मेरे माँ और भाई को आजाद कर दोगे, मगर आजाद करना तो दूर, तुमने मुझे उनसे मिलने भी नहीं दिया। आखिर क्यों? उफ,
ये तेवर माशाल्लाह, मिलवा भी देंगे, आजाद भी कर देंगे, बस थोड़ा सब्र। और तुम्हारे इस खेल का कोई अंत है भी या नहीं? सच बोली रे तू, सच बोली। मेरे खेल का तो कोई अंत नहीं, मगर तेरे खेल का अंत हो जाएगा, बस 3 दिन और सब्र कर ले। नए साल के जश्न पर दोनों को तुमसे मिलवा दूंगा और आजाद भी कर दूंगा। खुश? अब तो आ जा ऊपर। चली गई, आएगी, वो वापस आएगी, नए साल में उसकी नथ उतारी जाएगी। आतिश, क्या हुआ साक्षी? उस सरिंदर ने मुझसे वादा किया है कि वो नए साल के जश्न की रात को मुझे मेरे माँ और भाई से मिलवा देगा, मगर मुझे उसकी सारी बातें खोखली लगती हैं। ऐसे वादे तो वो पता नहीं कब से करता रहा है। पता नहीं मेरे माँ और भाई इस दुनिया में। अब मेरा इस दुनिया में एक ही मकसद है, उस दरिंदे को उसके किए की सजा दे दूं, ताकि हम पर लगा हुआ कलंक हम मिटा सके। पता नहीं इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा आतिश। प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत किया करो, हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। नए साल का जश्न उसकी जिंदगी का आखिरी जश्न होगा। मेरा एक नया प्लान है। Dole, 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 call it.
बहुत छोटे बाप, तेरी अनारकली तो ट्यून से आनी निकली। मगर भैया इसे नहीं पता कि ये डाल डाल है तो हम बात बात है। सच ही कहा है किसी ने, औरत की अक्ल यहाँ नहीं घुटनों में होती है। अरे हम जब तेरे ही बलात्कार के केस में उसे फंसा सकते हैं जिसने बलात्कार किया ही नहीं, तो हम क्या नहीं कर सकते। ये तो मेरे दिमाग का हीरा बन सकता है कि मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया, वरना चुटकी बजाते ही हम आपको अपना बना लेते। लेकिन अभी हम चुटकी नहीं बजाते क्योंकि आप खुद अपने कपड़े उतारे मुझे चूमेंगे, भरपूर प्यार करेंगे। चल चल जल्दी कर, भाई के पास और बहुत से काम हैं। साक्षी जी चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, चलिए जल्दी कीजिए। ऐसा लगा आपने मेरे गाल पर चिकोटी काटी हो, मजा आ गया। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, सब कुछ आपको करना है साक्षी जी। कपड़े उतारिए, मेरे पास चलकर आइए और सब कीजिए। अपनी माँ और भाई को बचाने की लालच में मैं पहले ही तुम लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर बहुत नाच चुकी, मगर अब और नहीं। ये तेवर तू मानती क्यों नहीं, कपड़े उतारेगी या नाचेगी? कहीं ऐसा ना हो कि तुझे नाचता देखकर मेरा भी मूड बन जाए और हम दोनों भाई मिलकर तुझे भोगे। तुम जैसे पापियों के जिसमें कीड़े पड़ेंगे, फफोले फूटेंगे देखना। कीड़े फफोले, पढ़ने दो, कुछ सही कुछ हुआ लेंगे। भाई भाई अब तो बजानी पड़ेगी ताली, ताली, ताली। क्यों भूपिंदर ये क्या करेगी? जा रही है माँ, बेटी यही रही है। क्या ये सब, आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? आपकी चाहत साक्षी जी, मैं मर जाऊंगी मगर तुझे तुझे कभी नहीं चाहूंगी। नहीं ए? तो ये ले सिकंदर। ये भी कुछ कम नहीं चीज है, अभी भी लगती है। खबरदार खबरदार, जो मेरी माँ को हाथ भी लगाया तो। नहीं लगाते तो फिर वो कर दे जो मेरा भाई चाहता है। अब आप अपने हाथों से अपने बदन को हाथ लगाएं, वरना हम आपकी माँ की इज्जत लूट लेंगे। और लगता है तुम लोगों ने किसी माँ का नहीं कुतिया का दूध पिया है। नहीं, कुतिया तो आप बनेंगी साक्षी जी। चलिए अब आप उतारेंगी या वो उतारे? नहीं, तू उतार, नहीं तो फिर इसकी उतरेगी। छोड़ दो माँ को। नहीं नहीं भाई,
भाई, भाई, भाई मेरी माँ को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरी माँ और बहन को छोड़ दो, मैं प्लीज। छोड़ दूँ? हाँ भाई। छोड़ दूँ? हाँ। चल, छोड़ देता हूँ। चल मुर्गा बन। अरे बन मुर्गा। मेरी माँ बहन को छोड़ दोगे ना? मुर्गा बन। तुम लोगों को जो जुल्म करना है मुझ पर कर, मेरी बेटी को छोड़, मेरी बेटी को छोड़। नहीं माँ, मत रो, मत रो। बिना कपड़ों के तो तू मुझे बरसों पहले ही देख चुकी है माँ, लेकिन एक एक बेटी के रहते माँ की इज्जत पर आ जाए तो ये धरती फट ना जाए। लो, आओ दरिंदो, आओ, लो नोच लो मेरे मास्क को, आओ। हमने आपसे कहा ना, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे, आप खुद अपने कपड़े उतारेंगे और चल के आएंगे हमारे पास। चलिए आप खोल और देख। Come on!
भैया, अरे रुक, भैया जरा भी हिला तो काट डालूंगा। बोल क्या हीरो? आजा मार, दोस्त है तू मेरा, ये देख मार। मार मार मेरे को, मार, छोड़ो उसको। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन बॉक्सर बनेगा साला, बॉक्सर। डरो मत, मैं ही मारना चाहती थी आतिश, तुमने तो बगैर कुछ किए ही मेरे कारण कारावास भोगा है, लेकिन अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित कारावास भोग कर करूंगी। साक्षी नहीं आतिश, अब और नहीं, नहीं साक्षी,
तुमने मेरा एक साल इंतजार किया था और अब मैं तुम्हारा एक साल इंतजार करूंगा।